तो ऐसे वैसे ही होगा भाई, तो संभल कर रहना पड़ेगा थोड़ा, मतलब थोड़ा केयर से फोटो वोटो खींचनी पड़ेंगी। तो सभी भाई लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और देखिए एकदम आराम से, बस अपने दिल में बाबा भोलेनाथ का नाम लेना है और सीधे कंधे में पत्थर। तो हर कोई नहीं उठा पाता इस पत्थर को, लेकिन अगर फौजी भाई ने, देखिए कितने आराम से, ये देखिए। तो ये है फौजी भाई हमारे, विक्रम भाई। तो ये है बाबा जी की कुटिया। हमारे ये प्रसिद्ध सीता मंदिर है, यहाँ बहुत धार्मिक स्थल है, बहुत ही माना हुआ मंदिर है। यहाँ पे आज बहुत दिन है, सावन का आज छठवां सोमवार है। हेलो दगड़ियों, सुप्रभात। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में और देवभूमि उत्तराखंड खूबसूरत बरसते पहाड़ों में। तो दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र नेगी और आज के ब्लॉग के साथ हो रहे हैं, अभी दिन के 12 बज गए हैं। तो दोस्तों मेरे साथ अजय और अभी हम पहुंच गए शिवालय मंदिर में, जहां के लिए ब्लॉग बनाने का आज बोला था आप सभी ने। यहाँ पीछे देखिए एकदम मस्त वाली नदी और खूब बारिश हो रहा है आजकल पहाड़ में, तो जोर से बोलना पड़ा क्योंकि नदी बह रही है। तो हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि सुबह से हमने भालू भगाया, क्योंकि आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा। तो अब इस आगे अज्जू बताएगा क्या हुआ था सीन। एक बार फिर से आया था भालू हमारे गांव में, तो सुबह हम उसे भगा रहे थे, तो इस वजह से हम ये ब्लॉग बनाने के लिए लेट हो गए। हमारा प्लान था कि हम आज सोमवार भी है तो इसलिए हम मंदिर आएंगे, तो भालू की वजह से हम लेट हो गए। तो आप ब्लॉग के साथ बने रहे और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं ये ब्लॉग। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको आगे का सीन। तो ये है मंदिर जाने के लिए एकदम मस्त वाला रास्ता, एकदम मस्त वाली रेलिंग यहाँ पर की गई है। तो चल रहे शिवालय मंदिर में, कुलांतेश्वर महादेव जी का ये मंदिर है जहाँ पर बाबा भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। तो ये है श्री कुलांतेश्वर महादेव मंदिर। तो चलते हैं मंदिर में, यहाँ काफ़ी सारी भीड़ हो रखी है। तो आज सावन का लास्ट सोमवार है, तो काफ़ी सारी भीड़ अभी हो रखी है मंदिर में। इतने सारे श्रद्धालुगण मंदिर में आए हुए हैं, बहुत सारे, सभी लोग पानी चढ़ा रहे हैं। नमस्कार जी। और यहाँ गदरे देखिए, बहुत खतरनाक गदरे भी आया हुआ है। तो इस गदरे सभी लोग पानी ला रहे हैं और कोई फोटो शूट भी कर रहे हैं। एकदम मस्त वाला सीन और ये है जय श्री राम। तो मंदिर में मिले हमें अपने भाई लोग मठानी के। हेलो कर दो भाई लोगों। हाय गाइस। तो अपने इधर के हैं भाई लोग और मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं आज। तो अब आपके भी दर्शन कराते हैं मंदिर के, तो चलते हैं मंदिर में। तो अभी मंदिर में दर्शन हो गए हैं और मंदिर के सामने ही है बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर। तो यहाँ भी आपको दर्शन कराते हैं अभी, और एकदम मस्त वाला बना हुआ है। तो अब हनुमान जी के दर्शन भी कर लेते हैं। जय हो बजरंगबली हनुमान, सबकी रक्षा करके कीजिएगा। तो भेंट भी चढ़ा देते हैं अभी। तो बहुत सारे धूप जलाए गए हैं लोगों ने यहाँ पर, और इस मंदिर का निर्माण अभी हुआ है हाल ही में, पिछले महीने, तो जिसका भी मैंने ब्लॉग बहुत सारे बनाए हैं यहाँ के भी, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से हनुमान जी की मूर्तियाँ लाई गई और किस तरीके से स्थापना निर्माण हुआ था। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ पर बाबा कुलांतेश्वर महादेव जी के मंदिर में।
तो यहाँ पर काफ़ी सारे भाई लोग हैं अपने जान पहचान वाले। तो यहाँ पर भाई लोग हैं तो इस पत्थर को उठाएंगे, तो ये है भोलेनाथ बाबा को समर्पित। तो हर कोई नहीं उठा पाता इस पत्थर को, लेकिन यहाँ पर फौजी भाई ने सच्चा भक्त होता है वही उठा पाता। देखिए कितनी आराम से, ये देखिए। तो ये है फौजी भाई हमारे विक्रम भाई। तो अब भीड़ भी कम हो गई है, लोग यहाँ से जाने लग गए हैं क्योंकि बारिश भी आ रही है और बहुत सारे लोग अभी आ भी रहे हैं। आगे आगे सब आगे तुम यार, यहाँ पर है हमारे बड़े भाई साहब। तो सभी भाई लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और देखिए एकदम आराम से, बस अपने दिल में बाबा भोलेनाथ जी का नाम लेना है और सीधे कंधे में पत्थर। ये बहुत बढ़िया, तो तारीफ के काबिल है भाई लोग। तो यहाँ पर मिले हमें अपने सब्सक्राइबर हैं घड़बगड़ गांव के, तो कुछ बोलना चाहेंगे दीदी जी? हमारे ये प्रसिद्ध सीता मंदिर है, यहाँ बहुत धार्मिक स्थल है, बहुत ही माना हुआ मंदिर है। यहाँ पे आज बहुत भीड़ है, सावन का आज छठवां सोमवार है, छठवां सोमवार है, बहुत भीड़ लगी है, दूर दूर से यहाँ मंदिर में आते हैं, सबकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। और बारिश का मौसम है वो कम आपके हैं, इसलिए मैं तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती थी, लेकिन तब भी ठीक ठाक आ रखे हैं भोलेनाथ की कृपा से सभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। तो भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और यहाँ पर है बाबा भोलेनाथ जी की भव्य प्रिंटिंग बनाई गई है, ये है माँ सरस्वती आर्ट सारसों, तो बहुत अच्छी प्रिंटिंग बनाते हैं इन्होंने ही, मतलब कालिंका जो मंदिर है वहाँ भी इन्होंने सारा प्रिंटिंग प्रेस किया हुआ है और अपने जान पहचान के हैं। तो अगर आपको भी ये काम कराना है तो ये नंबर है, तो आप करा सकते हैं पूरा प्रिंटिंग। तो यहाँ मंदिर में बहुत सारे प्यारे फूल भी हो रखे हैं एकदम मस्त वाले, देखिए। तो ये है बाबा जी की कुटिया। तो यहाँ पर है यज्ञशाला यानी कि हवन कुंड, यहाँ भी आप देखिए। तो यहाँ पर हवन होते रहते हैं किसी के शुभ काम पर, बहुत सारे लोग कराते हैं और यहाँ पर काफी सारे मूर्तियां भी हैं। दोस्तों अभी अच्छे से मंदिर में दर्शन भी हो गए हैं और आपके भी हमने करा दिए हैं और मंदिर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो अब इस आगे सीना को हम नीचे गदरे से दिखा दें। तो यहाँ गदरे में बहुत सारे लोग फोटो भी खिंचा रहे हैं क्योंकि सीन एकदम मस्त वाला हो रखा है और टूरिस्ट लोग जो हैं आए हुए हैं बाहर से और भाई लोग यहाँ पर जल चढ़ाते हुए। तो यहाँ भी एक शिवलिंग है जो कि यहीं आकर प्रकट हुआ था, तो आपने बहुत लोगों ने आपको बताया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक शिवलिंग जो है सीधे गदरे से बहकर आया है और यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है, तो इसकी भी खूब पूजा पाठ होती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग फोटो खींचते हुए, तो उनकी चप्पल बह गई और अर्जुन ने उस चप्पल को पकड़ लिया है, तो ऐसे वैसे ही होगा भाई, तो संभल कर रहना पड़ेगा थोड़ा, मतलब थोड़ा केयर से फोटो वोटो खींचनी पड़ेंगी। तो अभी चलते हैं फिर से मंदिर में। तो ये है मंदिर का दूसरा वाला गेट जो कि गदरे से होकर आता है। Yeah.
जय 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 जय। दोस्तों ये मंदिर का सीन यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है, ये है ऊपर का रास्ता भी, तो बहुत ही शानदार लोकेशन पर बसा हुआ मंदिर। और देखिए कोहरा भी लगा हुआ है, बारिश भी आ रही है और भक्तजन आते जा रहे हैं, पानी चढ़ा के सीधे घर जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा रहा आज का ब्लॉग। तो दोस्तों आज के ब्लॉग का करते हैं बट द एंड, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा भी अच्छा नहीं होता। तो जो मैंने यहाँ के और ब्लॉग बनाए हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक भी दे दूंगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। और मेरे साथ दिन भर आज अजय, तो अजय को हमारे YouTube फैमिली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे सपोर्ट हमको करते रहिए। तो ये रहा पीछे मंदिर, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड खूबसूरत पहाड़ से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय देवभूमि उत्तराखंड।